न्यूज हेडलाइन के लिए ताबुन किया है। लवली बॉडी ओडर को भी दूर और रखे आपको सुपर फ्रेश नया डेटॉल फ्रेश। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मियार की जदीद आलात से मुजय्या नर्सरी, जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद। तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेरे निगरानी, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकली की सहूलत भी मौजूद है। यरकान वाले बच्चों के लिए LED फोटोथेरापी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, औकातकार, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, चाइल्ड एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम नवाज वड़ाइज, औकातकार, दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहिद, कातकार, शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया अमजद, औकातकार, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अली, औकातकार, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, बांझपन का तसली बख्श इलाज, अल्ट्रासाउंड और बगैर दर्दों के डिलीवरी, छोटे और बड़े ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, सीटी स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच, अपेंडिक्स, थायराइड, पिता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मैदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। माहिर और तजर्बाकार गायनेकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा फुरकान, 99% नॉर्मल डिलीवरी के चांस और डिलीवरी के लिए जदीद तरीन सहूलियात, मुनासिब रेट पर हमल की पेचीदगियां, बांझपन का जदीद इलाज और कम सिन लड़कियों के गायनी मसाइल का हल, 3D, 4D, TVS कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसमें पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग, बजरिया CTG मशीन, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर, बच्चों की पैदाइश के बाद इंटरनेशनल मयार की नर्सरी, इनक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर और वेंटिलेटर की सहूलत। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नस्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 0483259090, 0483701080। आए सोलर से अपनी बिजली खुद बनाएं और इजाफी बिजली वापडा को भी दें। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी अरसे दराज से आपकी खिदमत में हर वक्त कोशां। अब आपके लिए लाए हैं बेस्ट क्वालिटी सोलर प्रोडक्ट्स। ना लोड शेडिंग, ना ही बिजली का बिल और ना ही बैटरी की जरूरत। चाइना से दरामद शुदा एक क्लास सोलर पैनल और 10 साल की वारंटी के साथ सोलर पैनल लगवाएं कॉलेजेस, अस्पताल, घर, फैक्ट्रीज और जरिए ट्यूब वेल के सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी ने सरगोधा के न्याजी VIP अस्पताल, ख्वाजा अरशद अस्पताल और तैयब अस्पताल में 50 KV का कामयाब सोलर पैनल मुहैया किया है और कई जगहों में अपने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, जो इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5, सरगोधा, 0483767580। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बकर खान, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइन। बहिरा अरब में बनने वाला तूफान शदीद समंदरी तूफान में तब्दील, महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। 18 किलोमीटर की रफ्तार से भारतीय गुजरात की जानिब बढ़ रहा है। कराची से 1310 किलोमीटर दूर रह गया। 18 से 20 मई के दरमियान शहर कायद कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। कल तक शदीद गर्मी का इम्कान, माहिगीरों को 3 रोज तक समुंदर में ना जाने की हदायत।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कराची से फौरी तौर पर बिलबोर्ड हटाने का हुक्म, एमरजेंसी प्लान टीम बनाने और कंट्रोल रूम कायम करने के अहकामात, कमिश्नर कराची पीएमसी और डीएमसी को नालों की चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत, बल्दिया अज़मा कराची के मुख्तलिफ महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 76 जिंदगियां निकल ली, 2379 नए मरीज सामने आ गए, मुस्बत केसेस की शरह 7.82% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में आज से बैन सुबह इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बहाल, सिर्फ 80% मुसाफिर बिठाने की इजाज़त होगी, कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी, सरकारी दफातर भी 50% अमले के साथ खुल जाएंगे, 19 मई को मजीद फैसलों पर नजर निशानी की जाएगी। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान, ऑनलाइन क्लासेस और दीगर ज़राए से तालीमी सिलसिला जारी रखने की इजाज़त, तालीमी इदारों के सरबराह ज़रूरी उल्मा बुला सकेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 के बजाय 23 मई तक खोलने का फैसला। भर में एक दिन में 1,31,047 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, 38 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई, लाहौर के एचपीओ सेंटर में 24 घंटे वैक्सीनेशन की जाएगी। गजा और मकबूजा बैतुल मकदस में इसराइली जहरियत का सिलसिला जारी, इसराइली अफवाज ने ईद उल फितर को मातम बना दिया, मुसलसल बमबारी और गोलाबारी के नतीजा में शोदा की तादाद 149 तक पहुंच गई, मरने वालों में खवातीन और 39 बच्चे भी शामिल, 10,000 फलस्तीनी घर बार छोड़कर मसाजिद और पनाहगाहों में रहाइश इख्तियार करने पर मजबूर। रामकोट के कच्चे में चाचर कबीले गांव पर रॉकेट और मोटर गोलों से हमला, 7 अफराद जहां बहा, 3 अफराद जख्मी, इलाके में खौफ-ओ-ख़ौफ़ रास फैल गया, चोरी के तनाजा पर 3 ग्रुप में झगड़ा हुआ, पुलिस का मौकफ, इलाके में शदीद तशनगी बरकरार। शेखपुरा में जमीन के तनाजे पर बड़े भाई ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजा में 2 छोटे भाई जहां बहक हो गए। राजनपुर में रिश्ता के तनाजा पर 2 ग्रुप्स में तसादुम ने 2 अफराद की जान ले ली। दरिया जेल में नहाते हुए 3 नौजवान डूब कर जहां बहक, रेस्क्यू अहलकारों ने लाशें निकाल ली, चकवाल में तालाब में नहाते हुए 4 दोस्त डूब गए, 3 लाशें निकाल ली, 1 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में वैन नहर में गिरने से जहां बहक, 11 अफराद की इज्तमाई नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई, 11 जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया।